तो है गाइस, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं रियलमी 5i के बारे में। तो जानते हैं क्या कुछ है इसके स्पेसिफिकेशंस, कैसा है ये फ़ोन और क्या है मेरे ओपिनियंस इस फ़ोन के बारे में। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यार, डिज़ाइन तो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है पिछले 5 फ़ोन से। सेम कैमरा प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो रियलमी X2 हो, रियलमी XT हो, रियलमी 5 प्रो हो, रियलमी 5 हो, रियलमी 5S हो, हमें सेम कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिली है। बस थोड़ा ग्राफिक में हमें फ़र्क देखने को मिला, बाकी ऑलमोस्ट सेम हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो हमें सेम रियलमी 5 और रियलमी 5S वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.52 इंच की, जहाँ पर हमें IPS LCD का पैनल देखने को मिलता है, जिसके साथ हमें 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन तो नहीं देखने को मिलती है, बट यहाँ पर HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, जो कि हमें 8-9 हज़ार रुपये के प्राइस में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर सुपर एमोलेड की डिस्प्ले आती तो काफ़ी अच्छा होता HD+ रेजोल्यूशन के साथ, क्योंकि हमें सैमसंग M10S में देखने को मिल रही है, तो कॉम्पिटिशन को अच्छे टक्कर देने में रियलमी ऐसा कर सकती थी, बट यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है रियलमी ने। बट यार, एक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10,000 के नीचे सुपर एमोलेड देना तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो हमें 500mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर सेम हमें रियलमी 5S और रियलमी 5 में भी देखने को मिलती है। बाकी इसमें नया जो है वो आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें भी नहीं देखने को मिलता है, तो यार वो थोड़ी बुरी बात मुझे लगी, अगर देते तो मज़ा आ जाता। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर, तो इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 9,000 के प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अप्रिशिएटेबल बात है। अगर हम बात करते हैं इनकी कैमराज की, तो हमें बैक में 4 कैमराज मतलब क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 12+8+2+2 का। यहाँ पर हमें 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं रियलमी 5S और रियलमी 5 की, तो उसमें 13 मेगापिक्सल की थी, इसमें थोड़ा सा घटा के हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है फ्रंट के अंदर। तो कुल मिला के बात तो यही आ जाती है कि रियलमी 5S, रियलमी 5 और रियलमी 5i ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन। तो अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियंस की, तो मेरे हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेने लायक फ़ोन है, लेकिन यहाँ पर रियलमी ने एक बात तो क्लियर कर दी कि उन्होंने रियलमी 5 जो है अपनी रेस से बिल्कुल हटा दिया बजट, अगर आप बजट रेंज की बात करें तो। क्योंकि रियलमी 5S उन्होंने जब लॉन्च करा था 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ, तो रियलमी 5 तब भी कुछ बंदे ले रहे थे 3320 उसका वेरिएंट, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज वाला, जो कि 9,000 रुपये में था। अब 9,000 रुपये में उन्हें सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 4GB RAM, 64GB वाला वेरियंट दिया है, मेरे हिसाब से अब तो कोई खरीदेगा है ही नहीं रियलमी 5। तो यार, मेरा तो ओपिनियन यही था कि फ़ोन तो यार काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर रियलमी 5 को रेस से हटा दिया रियलमी ने, और सेम स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उन्होंने हमें 3 बार, तो उसका भी मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रियलमी 6 में हमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रियलमी 6 में हमें स्नैपड्रैगन 665 के अलावा 675 अगर हमें 10,000 रुपये देखने को मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो यार, ये तो अलग टॉपिक है, तो हम इसकी बात बाद में भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही था, रियलमी 5i। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और शेयर कर देना वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।